स्वागत है कल्पना की स्वादिष्ट रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी से एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो सूजी से हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुए सूजी है, इसको हमें 1.5 कटोरी लेना है। और इसे आज हम बनाने वाले हैं डोसा। अभी झंझट करने से क्या है, पेस्ट भी नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना सूजी का डोसा बनाते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी लिया यहाँ पे सूजी, और इसको 1 घंटे के लिए हमें भिगो करके रख देना है। यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया मैंने, और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 ग्लास पानी और लेना है। ये देखिए 1/2 ग्लास पानी ले करके इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, और 1/2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको ढक करके रख देना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी सारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी और सही हो जाएगी। तो बाद में उसके लिए फिर हम, जिससे कि हम उसको बाद में ग्राइंड कर सकें। तो चलिए इसको भिगो के रख देते हैं कुछ देर के लिए, ढक देते हैं इसको 1/2 घंटा बाद, देखते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी सूजी भीग रही है हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये 1/2 कटोरी से कम ही नारियल है। अगर आपके पास गीला नारियल है तो ठीक है, नहीं तो सूखा नारियल है तो आप उसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो देंगे ना, तब भी उसकी भी अच्छी चटनी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम जार में डाल देते हैं। और चटनी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है ये नारियल था, धनिया, हरी मिर्ची और ये नमक, नमक 1 टेबल स्पून। मिर्ची आप देख लीजिएगा कितना तीखा खाना है, नमक भी स्वाद अनुसार आप देख लीजिएगा। और इसमें डालेंगे हम 1/2 नींबू, आप दही भी डाल सकते हो और नींबू, जो भी आपको लगता है डालना है, जितना जैसे खाना वैसे कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें हम डाल देंगे ये पानी, पानी का प्रयोग कम करेंगे, फिर बाद में देखना है कि गाढ़ा खाना है कि उसको पतला करके खाना है। चटनी कैसी चाहिए, ठीक चाहिए या जैसी भी चाहिए, तो आप बाद में वैसे पानी ऐड करिएगा। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें ज़रा से पानी हम और डालते हैं 1/2 गिलास। अब इसको फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चटनी, नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको कम पतला करना है, गाढ़ा खाना है, तो आप इसमें पानी का प्रयोग कम करिए। आप इसको हम तड़का दे देंगे। तड़का देने के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है ये चने की दाल है, उड़द की दाल है, मिर्ची है, जीरा है और राई है और करी पत्ता है। तो फ्रेंड्स, इससे हम तड़का देंगे इसको। फ्रेंड्स, तड़के के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और सरसों के दाने, जो इसका ये उड़द दाल और चना दाल, इससे क्या रहता है ना, जो चना दाल उड़द दाल रहता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और लाल मिर्च, करी पत्ता, करी लीव, इसको वो जाने देंगे, कर देंगे, देखिए गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तड़का दे दिया है, देखिए। अब हम बनाते हैं डोसे का स्टफिंग, आलू बनाते हैं। फ्रेंड्स, डोसे का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुए कटी हुई बारीक प्याज है, इसको डाल दिया है तेल में, 1.5 चम्मच तेल लिया था, पैन लिया था, और एक साइड में डाल दिया मैंने ये काली सरसों के दाने और जीरा, और मैंने डाल दिया यहाँ पे ये चना दाल 1/2 चम्मच और उड़द दाल, और यहाँ पे डाल दिया करी लीव्स, और यहाँ डाल दिया फ्रेंड्स मैंने ये हरी कटी हुई मिर्ची। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, रेड होने तक सारे को अच्छे से भून लेना है। डोसे में जो स्टफिंग में चने की दाल और उड़द की दाल रहती ना, तो इसमें जो खुशबू रहती है, सौंधे पंखी बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप पॉसिबल है तो ज़रूर डालिएगा, और करी लीव्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसको हमें लाल होने देना है, फिर इसमें आलू डालना है। फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच डोसा मसाला,
क्योंकि सांभर नहीं बना, सॉरी सांभर मसाला, तो सांभर नहीं बना रहे तो आलू से ही उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। सांभर मसाला भी मैंने घर पे ही बनाया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच सांभर मसाला और आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। अब प्याज भी हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम आलू। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करना है सारा मसाला। अब इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। तो डोसे की स्टफिंग रेडी हो गई है और इसमें डाल देंगे हम ये धनिया पाउ कटी हुई। तो फ्रेंड्स इसे कटोरी निकाल लेते हैं। डोसे का स्टफिंग बन चुका है, आप इसे डोसे में स्टफ करके भी खा सकते हैं, अलग से भी खा सकते हैं। अब इसे निकाल करके चलिए हम डोसे के पेस्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स एक घंटा हो चुका है और सूजी ये देखिए भीग चुकी है, गाढ़ा भी हो गया है। अब इसको हमें ग्राइंड कर लेना है एक चुटकी नमक डाल करके। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स सूजी को ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे हम ये नमक आधा स्पून और डाल देंगे सोडा और इसको एक बॉल में निकाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का याद रखना कि हमें ज़्यादा देर तक इसको रखना नहीं है, फटाफट इसी अंदाज में इसका पेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि ज़रा से गाढ़ा है तो आप पानी डाल लीजिएगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तवे में ज़रा से तेल लगा देंगे और इसमें ज़रा से पानी डालेंगे, तेल सगल फैल चुका है। अब यहाँ पे अपने बैटर को डालेंगे। एक चीज़ का याद रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। देखिए और इसको जिस साइज में फैला रहे ना वैसे ही फैलाना है। पकने देते हैं इसको, जरा से ऊपर से डाल देते हैं रिफाइंड, मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये साइड से अपने आप से डोसा निकलने लगा है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसे 2 मिनट तक और पकने देंगे, फिर इसमें हम स्टफिंग कर देते हैं। इसको स्टफ कर देते हैं ऐसे, आलू डाल देते हैं ज़रा से। आप आलू ऐसे भी खा सकते हैं इसके साथ, और ये रोल जैसा हो जाता है तो अच्छा लगता है। डोसा भी साइड साइड से देखिए पक चुका है। अभी 2 मिनट के लिए से और पकने देंगे हम, और सारे डोसा हमें ऐसे ही बना लेने हैं फ्रेंड। डोसा पक चुका है ये देखिए, और क्रिस्पी भी है ये। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड सूजी का हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, डोसा बनके तैयार हो चुका है और चटनी भी बनी है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।